पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर बिहार पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पूरी ईमानदारी मेहनत लगन के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी के लिए जरूरी है मेहनत और अपने आप से ईमानदारी। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है, कठिन नहीं असंभव ही हो जाएगा। तो ईमानदारी और मेहनत जरूरी है। आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए, स्टैटिक जीके हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगले एक घंटे तक आप मेरे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करें हम अपने क्वेश्चनों को जल्दी से। लाइव हो जाइए, जुड़ जाइए। अगर आपको क्वेश्चन से संबंधित कहीं कोई समस्या हो, बीच में कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप एग्जामपुर ऐप को डाउनलोड कीजिए, उससे आपको परीक्षा से संबंधित, किसी टेस्ट सीरीज से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए जल्दी से बताइए इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। कृषि जनगणना निम्नलिखित में से कितने अंतराल पर की जाती है? ये भारत, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून मेरा, अंशु जी, दीपक जी, आप सभी स्वस्थ रहिए, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करिए और एक अपने लिए जो आपका सपना है, जो आपके परिवार का सपना है, एक सरकारी नौकरी व्यवसाय को सुनिश्चित करिए। एग्जामपुर इसी प्रयास में आपके साथ लगा हुआ है। तो बताइए, पहला क्वेश्चन है जो कृषि जनगणना है, कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? क्वेश्चन ये है, हर वर्ष होती है, 3 वर्ष में एक बार होती है, 10 वर्ष में एक बार होती है, ठीक है। तो मैं बता दूं, पहली जो कृषि जनगणना है, पहली जो हुई थी जनगणना, इसे कर देता हूं बीच में कृषि, कभी आप कहें जी जनगणना कहां से आ गई है, ठीक है। तो पहली जो जनगणना है वो हुई है आपकी, कब हुई है? 1970-71 में, ठीक है। और हर पांच वर्ष बाद ये होती है, ठीक है। तो आपका आंसर है 5 वर्ष में एक बार होती है। अब कौन सी चल रही है? वर्तमान में चल रही है 11वीं कृषि जनगणना हो रही है, ठीक है। तो ये हो रही है आपकी 2022 में, ठीक है। क्वेश्चन कहां से बन सकता है? आपका क्वेश्चन यहां से बन सकता है, उठकर आपका क्वेश्चन यहां से बन सकता है, आपका क्वेश्चन यहां से बन सकता है, यहां से 3 क्वेश्चन इसमें से आपके बन रहे हैं। तो कृषि जनगणना का उद्देश्य क्या होता है? कृषि जनगणना का उद्देश्य होता है कि कृषि में जो किसान उत्पादन कर रहे हैं वो किस क्षेत्र में कितना प्रतिशत, किस फसल में कितना प्रतिशत उत्पादन हो रहा है, किस भूमि में कितना प्रतिशत उत्पादन हो रहा है, किस भूमि में कितने उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है और किस भूमि में, किस क्षेत्र में कृषि में यांत्रिकरण यानी कि एग्रीकल्चर जो इंस्ट्रूमेंट है उनका उपयोग हो रहा है। तो कृषि जनगणना में इन सभी चीजों का सर्वे किया जाता है और उसके आधार पर ही सरकार अपनी कृषि के लिए नीतियां निर्धारित करती है। तो प्रत्येक 5 वर्ष में यह होता है। वर्तमान में जो चल रही है वो 11वीं चल रही है, ठीक है। वर्तमान में जो चल रही है वो 11वीं है, ठीक है। और हर 5 वर्ष में होता है। 1970-71 में पहली बार हुई थी, तो यहां पर हो जाएगा आपका 5 वर्ष में एक बार, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, तो इसमें से बन सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहां पर है, ठीक है, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहां पर है? 1 अप्रैल 1935 को जो रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना कहां पर हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है कलकत्ता में, ठीक है। लेकिन ये 1937 में ये मुंबई ट्रांसफर हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया। और यह हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर, हिल्टन यंग कमीशन, ये क्वेश्चन बन सकता है, हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर, ठीक है, आरबीआई की स्थापना हुई। अगर मैं आपसे पूछूं तो पूछा प्रधान कार्यालय कहां पर है, तो प्रधान कार्यालय इसका
मुंबई में हो जाएगा। किस किसने इसका सही आंसर दिया है? करीब करीब सभी बच्चों ने, मेरे साथियों ने इसका सही आंसर दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं इसके पहले गवर्नर कौन थे, ठीक है, तो पहले गवर्नर इसके कौन थे बताइए, पहले गवर्नर बताइए कौन है? ओसबर्थ स्मिथ, ठीक है, ये हो जाएंगे। और अगर मैं पूछूं कितने करोड़ रुपए पूंजी के, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ आरबीआई की स्थापना, ठीक है, आपसे यहीं से इसमें से ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए मुंबई। अगला क्वेश्चन, भारत के लोक ईस्ट पॉलिसी किस वर्ष में शुरू की गई बताइए, कब शुरू की गई है लोक ईस्ट पॉलिसी, बताओ कब शुरू की गई है? 1990 में, 1992 में, 1995 में, 2000 में, या इनमें से कोई नहीं? और लोक ईस्ट पॉलिसी बताइए, जल्दी से बताइए लोक ईस्ट पॉलिसी कब शुरू की गई है? देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों के साथ, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों के साथ, आर्थिक, सांस्कृतिक, ठीक है, राजनीतिक संबंध बढ़ाने के लिए केंद्र के पी वी नरसिम्हा राव सरकार ने, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की, तो ये है 1991-92 91 है पर्टिकुलर, तो ठीक है, आप इसमें 91-92 90 नहीं करेंगे, ठीक है, तो 1992 आपका सही आंसर नहीं, 90 नहीं है, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव की है, तो 91 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो, तो 91-92 की ये पॉलिसी है आपकी। ये किसने सही आंसर दिया है? सत्य भारत, हम है 92 ई, इसका भाई इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा इसका, ठीक है, इसका आंसर एक ही साथी ने सही दिया है, तो वो होगा 91-92। आगे चलिए, बकिंगम नहर को हाल में भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, यह है नहर बताइए, पंजाब से हरियाणा, मुंबई से गोवा, विजयवाड़ा से विलुपुरम, या कोचीन से कोझिकोड, बताइए कहां से है, कहां तक है ये? 420 किलोमीटर लंबी खारे पानी की नहर है ये, ठीक है, 420 किलोमीटर लंबी खारे पानी की नहर है, ठीक है, 420 किलोमीटर लंबी खारे पानी की, ठीक है, कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए, नौवहन, ठीक है, परिवहन के लिए, कहां से कहां तक है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से पीएम से तमिलनाडु के कौन कहां तक, विल्लुपुरम तक, ठीक है, ये नहर बनाई गई है। आपने आंसर दिया है ई, मतलब कन्याकुमारी से रामेश्वरम, नहीं भाई, पंजाब से हरियाणा, ये है विजयवाड़ा से विल्लुपुरम तक, ठीक है, ये नहर स्थापित की गई है। जैसे आपका पहला जो राष्ट्रीय जलमार्ग है हल्दिया से इलाहाबाद, जो प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है, प्रथम है इलाहाबाद से कहां तक है,
हल्दिया तक, ऐसे ही है ये, ठीक है। तो क्योंकि जल परिवहन होता है वो सस्ता पड़ता है सड़क की बजाय, सड़क रेल, और वो रेल से भी सस्ता पड़ता है, सड़क रेल और हवाई से। तो ये जल परिवहन के लिए बनाई गई है, पानी पीने योग्य नहीं है ये, क्योंकि खारा पानी है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जल्दी से बताइए मुझे, पहली भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन होगी? बचेंद्री पाल, फ्यू डोरजी, आन सांग शू की, यो योको ओनो, बताइए। अब इसमें भारतीय ही नाम ले रहा है, तीन तो मेली ने मुझे लगी नहीं रहेगी, भारतीय भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो कौन है? पहला तो लगा लीजिए, विश्व की पहली महिला कौन है जो चढ़ी है एवरेस्ट पर? जुंको तबई, जुंको तबई पहली महिला। जुंको तबई ये 75 में चढ़ी और ये जापान की थी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। तो पहली हो जाएंगी यहां बछेंद्री पाल। भारत की कौन है? भारत की बछेंद्री पाल। अब आप मुझे बता सकते हैं कि बछेंद्री माउंट एवरेस्ट पर किस वर्ष चढ़ी, ये बता सकता है मुझे? बताइए बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी है और विश्व की कौन सी महिला है? वर्ष है इनका 1984 और पहली मैंने बता दी जुमको तो भाई है, ठीक है। लेकिन बछेंद्री पाल विश्व की कौन सी महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ये आपको मुझे बताना है, जल्दी से बताइए। रीता पांडे जी लेट हो गए आप, ठीक है, जल्दी बताइए। वो कौन से नंबर की हैं? बछेंद्री जो थी, बछेंद्री पांचवें नंबर की महिला है, महिला है, ठीक है। और पहले कौन है, पहले व्यक्ति कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं? पहले व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, माउंट पर चढ़ने वाले, जल्दी से बताइए कौन से व्यक्ति हैं वो जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़े हैं, ठीक है। नहीं पता, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे, ठीक है। कोई बता सकता है किस वर्ष चढ़े थे ये, किस वर्ष चढ़े हैं और आज तक कितने आदमी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, बताइए। नहीं पता तो पता रखना चाहिए, एक में से एक क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। ये 1953 में चढ़े थे, ठीक है, 1953 में ये चढ़े हैं, वर्ष है इनका 1953। और सर्वाधिक बार कौन चढ़ा है, सर्वाधिक बार बताइए, सर्वाधिक बार, सर्वाधिक बार कौन चढ़ा है माउंट एवरेस्ट पर, बताओ कौन चढ़ा है सर्वाधिक बार? कामी रीता शेरपा कितनी बार, कामी रीता शेरपा कितनी बार चढ़ा है? 26 बार। तो आपके सामने भाइयों क्वेश्चन कितने हो गए, क्वेश्चन एक हो गया, पहली महिला ये हो गई, पूछा था भारतीय तो भारतीय तो हमारे पास बछेंद्री पाल है ही, ठीक है। कब चढ़ी ये, 1984 में चढ़ गई थी, ठीक है, और 1975 में पहली महिला चढ़ी, और पहले पुरुष कौन थे, पहले पुरुष एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे थे, वर्ष 1953 में, ये विश्व के पहले व्यक्ति हैं जो इस पर चढ़े हैं, ठीक है। और सर्वाधिक बार कौन चढ़ा है, सर्वाधिक बार चढ़े हैं कामेरीता शेरपा, 26 बार यहां पर चढ़े हैं इसमें, ठीक है।
कामी रीता शेरपा 26 बार, सत्य भारत हम हैं। ठीक है, तो इसमें से आगे चलते हैं, काफी क्वेश्चन हो चुके हैं। एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है, बताइए, तरल यांत्रिकी, रसायन विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान या खगोल भौतिकी विज्ञान के साथ। ठीक है, द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल, द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल। अब ये ब्लैक होल किसकी बात हो रही है, ये हो रही है ब्रह्मांड की। तो जब ब्रह्मांड की हो रही है, अब ये किताब लिखी किसने है, ये लिखी है आपके चंद्रशेखर ने, ब्रह्मांड की बुक है ये, एस चंद्रशेखर। चंद्रशेखर की किताब जिसमें इन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को खोला। ठीक है, तो इसके लिए किस चीज के हैं, खगोल भौतिकी के वैज्ञानिक थे, इसके परिणाम स्वरूप ही इनको 1983 का नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, 1983, 1983 नोबेल इस चीज का, भौतिकी का। ठीक है, आगे चलें। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, रिक्टर पैमाने का, मैट्रिक का, सेंटीग्रेड का या न्यूटन पैमाने का, बताइए। 1 से 10 तक ये मापता है जब भूकंप आता है, भूकंप के दौरान कौन सी गैस निकलती है, भूकंप के दौरान किस गैस का रिसाव होता है, एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें से। ठीक है, रिसाव होता है, कौन सी है वो, ठीक है, वो है मेटान गैस। एक क्वेश्चन यहां पर ये बनता है कि सिस्मोग्राफ, यहां क्या है, रिक्टर पैमाना हो जाएगा यहां तो, चलो ठीक है, इसको लगा लेते हैं अभी। अब इसमें आता है कि सिस्मोग्राफ भूकंप रिकॉर्ड करने का यंत्र है, ग्राफ ये क्या हो जाएगा, भूकंप रिकॉर्ड करने का यंत्र। एक तो क्वेश्चन भाई आपका यहां से बनता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका कहां से बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा सिस्मोलॉजी से, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी आपसे पूछेगा। ठीक है, रिक्टर पैमाना, सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, तो सिस्मोलॉजी कहेंगे जो भूकंप का अध्ययन होता है, भूकंप का अध्ययन करना सिस्मोलॉजी। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन हो गए यहां पर 4, 1, 2, 3 और एक वो 4, इनमें से यही क्वेश्चन आते हैं, भूकंप से का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इन्हीं 4 में से क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो। आगे चलें, अगला बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित, के वीके कृष्ण मेनन, जवाहरलाल नेहरू, राजेश्वर दयाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, नेहरू जी की ये बहन है, ठीक है, और ये यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये तो हम कर चुके, लेकिन आप मुझे ये बताइए, विजय लक्ष्मी पंडित कौन से सत्र की अध्यक्षता की क्वेश्चन ये बनेगा, ये तो बन चुका, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, 66वें सत्र की, दूसरा 67वें की, तीसरा 68 की, चौथा 72 सत्र की। ठीक है, बताइए कौन सा सत्र है जिसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी,
बताओ जल्दी से, 1953 में हुआ था ये, 1953 का सत्र है ये, कौन सा सत्र है जिसकी इन्होंने अध्यक्षता की है, जल्दी से बताइए इसका कमेंट करके, ठीक है, टाइम मत लगाइए, कौन सा सत्र की इन्होंने अध्यक्षता की है। ये तो हो गया विजयलक्ष्मी पंडित, आप ये बताइए 1953 में ये यूएनओ के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है, लेकिन वो कौन सा सत्र था जिसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी, क्या वो 66वां था, 67वां था, या 68वां या 72वां, कौन सा सत्र था, जल्दी से मुझे ये कमेंट करके आप बता दीजिए। 67वां सत्र कह रही है रीटा पांडे जी, और बताइए जल्दी से, कोई और कमेंट करने वाला हो तो जल्दी बताइए इसको। 67वां, चंद्र कुमार भी 67वां कह रहे हैं, ठीक है, और बताइए सभी 67वां, एक दो दो आंसर आ गए 67 के, और बताइए जल्दी से। ये बीच में कहां गायब हो जाते हो, अभी चल रहा था लाइव, 8-10 बच्चे एकदम कम हो गए इसमें, कैसे कम हुए, मतलब सर्च करने लगे, तो सर्च मत करिए, मैं ही बता देता हूँ, 68वां सत्र था वो जिसकी उन्होंने अध्यक्षता की थी, 68वें सत्र की, 68वें सत्र की अध्यक्षता, ठीक है, आगे चलिए। आरएएफ किसका संक्षिप्त रूप है, ये एक केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है, ठीक है, और गृह मंत्रालय के अधीन है, ठीक है, और इसके 10 बटालियन है इस समय, और इसका काम है दंगों को त्वरित वहां पर पहुंचना जहां दंगा हो, ठीक है। तो आरएएफ 7 अक्टूबर 1992 को, इसका 7 अक्टूबर 1992 को इसका गठन किया गया। तो क्या है ये, रेडी एक्शन फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स है, रिवर्स एक्शन फोर्स है, रिपीट एक्शन फोर्स है, तो आपका हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी से मुझे बताइए इसका, ऑप्शन बी रैपिड एक्शन फोर्स सही आंसर है आपका, ठीक है, नहीं सी नहीं है इसका, रिवर्स एक्शन फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स है इसका, ठीक है, त्वरित एक्शन बल, त्वरित कार्रवाई बल, त्वरित कार्रवाई करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है या किया गया है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी या यमुना, ठीक है, तो देश का यूके का सबसे बड़ा बांध है भागीरथी और भील गंगा पर, भागीरथी प्लस भील गंगा, ठीक है, और यूके का सबसे बड़ा बांध, ठीक है, तो कहां पर है ये, भागीरथी। आगे चलते हैं, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, बताइए आंसर दीजिए इसका, संविधान में, चमकदार क्वेश्चन, मुझे लग रहा है अटक जाना चाहिए मुझे, बढ़िया इसको, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर, राज्यपाल पर या मुख्य चुनाव आयुक्त पर, राज्यपाल, राज्यपाल शपथ नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, शपथ कौन दिलाता है, जिस राज्य में नियुक्ति हुई है, राज्य के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, और त्याग पत्र किसे देंगे, ये त्याग पत्र, त्याग पत्र देंगे ये राष्ट्रपति को, ठीक है, कार्यकाल कब तक है, कार्यकाल है राष्ट्रपति की इच्छा पर, राष्ट्रपति की इच्छा, सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष, पद से हटाया कैसे जाएगा, पद से हटाना, राष्ट्रपति हटा देंगे अपनी इच्छा के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, तो इसमें हो गया राष्ट्रपति। अब ये महाभियोग है क्या, महाभियोग पता होगा आप, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन कह रहा है, ये किसी उच्च न्यायालय का, देखिए
ये महाभियोग से हटेंगे। प्रक्रिया पता क्या है ये या नहीं पता? ये महाभियोग से हटेंगे और ये भी महाभियोग से हटेंगे, ठीक है। ये नहीं हटेगा, इसके लिए राष्ट्रपति चाहेंगे जब ही हटा देंगे। अब ये तो आपने देखिए महाभियोग की प्रक्रिया है क्या। अगर कोई व्यक्ति इनमें से भारत का मुख्य न्यायाधीश या जितने भी न्यायाधीश हैं उसमें से 30+1 में से 31 में से कोई भी जितने भी भारत के उस न्यायालय हैं उनके न्यायाधीश और उनके मुख्य न्यायाधीश और भारत के चुनाव आयुक्त मुख्य और चुनाव आयुक्त अगर वो संविधान का अतिक्रमण करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो भारतीय संसद उन्हें लोकसभा राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से उन्हें हटा देगी, ठीक है। जब उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही होगी, जब उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही होगी तो उस समय वो अपने पद से संबंधित कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। उस समय उन्हें संसद में उपस्थित होना होगा और वो संसद एक कोर्ट का रूप ले लेगी। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी कोर्ट में मुकदमा चल नहीं सकता, उनके पास मुख्य न्यायाधीश है, तो फिर कहां जाएंगे? वो जाएंगे वहां जहां कानून बनते हैं, ठीक है। कानून कहां बनते हैं? कानून संसद में बनते हैं, तो संसद फिर एक कोर्ट का रूप ले लेगी। और अगर वो प्रस्ताव जो हटाने का प्रस्ताव है जिसको महाभियोग कहते हैं, हटाने का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो गया, ठीक है, वो बिल कहीं पे भी आ सकता है, राज्यसभा या लोकसभा कहीं पे भी आ सकता है। अगर राज्यसभा में आया वहां से पास हुआ तो फिर लोकसभा जाएगा, फिर लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास होगा। अगर वो वहां से पास हो गया तो जब वो पास होगा जब उन्हें पद से हटा हुआ माना जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के केस में ये होगा कि वहां से दोनों जगह से अगर वो पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति उसे पद से हटा देंगे, ठीक है। लेकिन प्रक्रिया वो महाभियोग जैसी ही होगी, उसके लिए सदन के दोनों सदनों से वो जो बिल है महाभियोग का बिल वो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं लिखा हुआ नहीं देखा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राज्यपाल महाभियोग जैसी प्रक्रिया से नहीं हटते हैं, उन्हें राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपके राष्ट्रपति। क्या कोई अभी तक भारत में किसी राष्ट्रपति के ऊपर या राज्यपाल सॉरी राष्ट्रपति या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या फिर किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाया गया है? नहीं हटाया गया अभी तक किसी पर, महाभियोग के द्वारा किसी को नहीं हटाया गया है। बताइए गरबा एक नृत्य है गुजरात का, राजस्थान का, उड़ीसा का या असम का? बताइए गरबा, गरबा होता है माँ दुर्गा, दुर्गा जी की आराधना, ठीक है, पूजा की विधि है एक ये, और ये कहाँ होती है? गुजरात में, ठीक है। अब आता है राजस्थान में कौन सा होता है, ठीक है। तो राजस्थान का पता होना चाहिए, राजस्थान में क्या हो रहा है? तो राजस्थान का है आपका घूमर, ठीक है, और राजस्थान का हो गया आपका घूमर, अति महत्वपूर्ण है। असम का हमने क्या किया था? बिहू है असम का, और बिहू, और आपका उड़ीसा का उड़िया, उड़िया है, हाँ उड़िया, ये हो गया बिहू, इसका हो गया। तो ये यहां से आपके इस तरीके से मैच हो जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे अगर लग रहा है तो घूमर लग रहा है, थोड़ा यूनिक सा है, ठीक है। उड़िया ओडिसी हो जाएगा आपका, यहाँ बिहू आपको मैंने कराया ही हुआ है पहले, बिहू को दोबारा से लिखना चाहो साफ लिख लो इसे, ठीक है। बी हू, ठीक है। ये मैच करने के लिए भी आ सकता है कहीं पर, ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो गरबा होता है गुजरात में और वो माँ दुर्गा जी के सामने, वो देखा नहीं डांडिया खेलते हैं, तो इसी में डांडिया होता है, वो डांडिया गरबा के अंदर ही, ठीक है। तो यहां हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन,
भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मुनिंदर सिंह को, अजीत पाल को, जोगिंदर सिंह को या मिल्खा सिंह को? भाग मिल्खा भाग पिक्चर है, नहीं है वो भाग मिल्खा भाग जो आई थी 1958 के एशियन गेम्स में, 1958 एशियन गेम में मिल्खा सिंह ने पाक के खलीक को हरा दिया, खलीक को हराया, ठीक है। जिसके बाद पाकिस्तान के जनरल, क्या नाम था उनका? अयूब खान। पाक के जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को क्या कहा? फ्लाइंग सिख, उड़ने वाला, फ्लाइंग सिख कहा, और वहीं से हो गए फ्लाइंग सिख, ठीक है। तो क्या है इसमें, आपको अयूब खान को ध्यान रखना है आपको, और 1958 एशियन गेम्स याद रखने हैं, ठीक है, और याद तो रखना है आपको मिल्खा सिंह को भी, ठीक है। आप सभी का आंसर करीब करीब मुझे लग रहा है। आज तो कुमार जी 12 से 1 ही है क्लास का टाइम, ठीक है। आगे चलिए, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते दिवालिया व्यक्तियों को, क्या इस देश में जो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल 12 से 35 में, क्या अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाए, बैंक के द्वारा करप्ट हो जाए, लोगों का पैसा उधार ले ले देना उन्हें, या बैंक उसे दिवालिया घोषित कर दे, तो क्या उसे मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे? क्या भारत में आने वाले विदेशियों को मौलिक अधिकार मिलते हैं, नहीं मिलते? क्या असाध्य रोगों से पीड़ित, ऐसे रोग जो इस जीवन में खत्म नहीं हो सकते, उन्हें असाध्य रोग कहते हैं, उस व्यक्ति को नहीं मिलेंगे? क्या राजनीति के बारे में भविष्यवाणी करने वाले लोगों को मौलिक अधिकार नहीं मिलते? तो मुझे तो लगता है राजनीति के बारे में तो सभी लोग भविष्यवाणी करते हैं, तो क्या उनको मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, या मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, ये आपसे क्वेश्चन है। तो बताइए किसको मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, बताइए। एक है आर्टिकल 14, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, और एक है आर्टिकल आपका 16 सार्वजनिक रोजगार के अवसर, सार्वजनिक रोजगार के अवसर, अभी मैंने लिखा क्यों है, तो आप सभी ने आंसर दिया है दिवालिया व्यक्तियों को नहीं दिए जाने चाहिए। चंदन कुमार, हेलो किटी, रीता पांडे, अंकित जी ने कहा है कि दिवालिया व्यक्तियों को मौलिक अधिकार नहीं मिलने चाहिए या नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये डिलीट क्यों कर रहे हो भाई आप मैसेज, जब पढ़ लिए तो पढ़ लिए। और बताइए बी, इसका आंसर होगा बी, लेकिन पेपर में यह ऑप्शन चेंज करने का मौका नहीं मिलता, वहां पर तो क्वेश्चन अगर आपने चेंज किया तो गलत हो जाएगा, इसलिए पहले ही सोच समझ के आंसर दिया करो, ठीक है। तो इसमें देखिए ये विदेशियों को नहीं मिलते हैं, लेकिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है इसमें कि विदेशियों को ये वाले दो मिलते हैं, यानी कि अगर कोई विदेशी के साथ यहाँ पर आकर कोई अपराध हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, या वो कर देता है किसी के साथ अपराध या दुर्घटना, तो उसके लिए कानून के समक्ष उसे भी समानता के साथ ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि विदेशी है तो उसको हम कानून के समक्ष उसको रियायत नहीं देंगे, उसको भी रियायत वही मिलेगी जो भारतीयों को मिलेगी। दूसरा, अगर कोई विदेशी भारत में आर्टिकल 16 के तहत अगर कोई विदेशी यहाँ रोजगार के अवसर ढूंढता है तो उसको भी समान अवसर यहाँ उपलब्ध होंगे, ये दो चीजें इनको भी मिलती हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है आपको आर्टिकल
चौदह व सोलह, ठीक है, विदेशियों को भी प्राप्त हैं, विदेशियों को भी प्राप्त हैं। याद कर लेना इसको, क्वेश्चन ऐसी बन जाता है भाई। इंग्लिश की क्लास तो जस्ट मेरी क्लास से पहले ही होती है, ठीक है, अभी 11 बजे से 12 बजे तक इंग्लिश की क्लास थी, ठीक है। ठीक है, तो आप उसका टाइम नोट कर सकते हैं। लोगों की सहमति का अर्थ है कुछ लोगों की सहमति, सब लोगों की सहमति, लोगों का नेता की सहमति, अधिकांश लोगों की सहमति। इसका जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए इसका, बताओ जल्दी से इसका आंसर, बताओ क्या होगा इसका आंसर। लोगों की सहमति का अर्थ है कुछ लोगों की सहमति, बताओ भाई जल्दी बताओ। आप कह रहे हैं बी सिंपल, एक आंसर आया है डी डी डी। तो लोगों की, देखो यहां देखो, लोगों की, लोगों का मतलब है बहुत सारे लोगों की, ठीक है, तो बहुत सारे में क्या होगा अधिकांश, यहां से अधिकांश लोगों की सहमति, कुछ लोगों की सहमति बिल्कुल कट रहा है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, सब लोगों की सहमति, लोगों के नेता की सहमति, ये दोनों तो बिल्कुल कट रहे हैं, ठीक है। अब यहां कंफ्यूजन हो सकता है आपको बी में और डी में, सब लोगों की सहमति और अधिकांश, इसमें सब लोग इसलिए आएंगे, इसमें सब कुछ सारा ही आ जाता, तो इसमें लोगों की का मतलब है अधिकांश लोगों की सहमति, सब लोगों की सहमति नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के कार्यकाल के साथ साथ होता है उसका, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ होता है, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है जब तक होता है, या 5 वर्ष होता है, बताइए जल्दी बताइए इसका। आप कह रहे हैं बी सही है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ साथ होता है, कौन कह रहा है ये, हेलो किटी कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं, जल्दी बताओ कमेंट करके इसका, जल्दी से बताइए। आप कह रहे हैं सी, रीता पांडे सी कह रही हैं, रविंद्र कुमार डी कह रहे हैं, दीपक कुमार सी कह रहे हैं, पीयूष इसका डी कह रहे हैं, अंशु डी सी डी सी, 5 डी सी और डी सी में, ठीक है। अब सुन लीजिए डी, पहले यानी कि लोकसभा के कार्यकाल के साथ, इस पे आपका मत नहीं है, ना इस पे है ना इस पे मत है, मत है आपका सी और डी पर, अधिकांश से बच्चों का सिर्फ डी होगा, मतलब 5 वर्ष। अब आप मुझे ये बताइए, ठीक है, आप मुझे ये बताइए, है क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है, ठीक है, आप मुझे ये बताइए, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 2014 से चले आ रहे हैं, अब 2023 चल रहा है, अगले साल चुनाव है 2024 के, ठीक है, प्रधानमंत्री जी अभी त्याग पत्र दे दें और किसी एक नए व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री पद के शपथ दिला दें, तो आपके अनुसार जो है तो 5 वर्ष होना चाहिए आपके अनुसार, तो वो फिर 23 और 5 28 तक रहेंगे, तो फिर चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है, 28 से पहले 5 वर्ष होने से पहले फिर वो नया आदमी त्याग पत्र दे देगा, फिर एक को नए को बना दो, फिर चुनाव आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, जो लोकसभा का गठन है वो 5 वर्ष के लिए होता है, और लोकसभा में बहुमत के जो दल का नेता है वो प्रधानमंत्री बनता है, चाहे उस लोकसभा के 5 साल के पीरियड में 4 आदमी प्रधानमंत्री बन जाए या 3 आदमी बन जाए या 1 बने, वो डिपेंड करता है बहुमत दल पर, ठीक है। तो आंसर होगा जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, ठीक है, वो राष्ट्र प्रधानमंत्री रहेंगे, समय से मतलब नहीं है, लेकिन बहुमत प्राप्त है तो वो लोकसभा की पहली बैठक से, ध्यान रखना, लोकसभा की पहली बैठक से जब निर्वाचन होता है
लोकसभा के चुनाव के बाद जब पहली बैठक होगी, उस पहली बैठक से 5 वर्ष की अंतिम जो बैठक होगी, 5 वर्ष की जो अंतिम बैठक होगी, उससे पहले नई लोकसभा का गठन कर लेना है, समझ गए। उस अब जैसे मान लीजिए पिछली जो लोकसभा थी 2019 में, वो शायद 1 मई को, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मई में ही वो अप्रैल में चुनाव हुए, मई में उसका पहली बैठक हुई, तो मई और फिर 24, यानी कि अगर मई में हुई 1 मई को मान लीजिए, तो 1 मई 2019 को पहली बैठक हुई, तो आपको 1 मई 2024 से पहले नई लोकसभा का निर्वाचन करा लेना है और उसके नए सदस्यों का चुनाव कर लेना है, ठीक है, उससे पहले। तो अब देख लेना नेक्स्ट ईयर मार्च और अप्रैल में हमारे चुनाव हो जाएंगे, और अप्रैल में ही ये पता पड़ जाएगा सरकार किसकी बन रही है, कौन लोकसभा बहुमत दल का नेता है, कौन सी पार्टी बहुमत लेकर आई, फिर वही सरकार बनाएगी। तो डिपेंड करता है, जब तक लोकसभा बहुमत का समर्थन प्राप्त है, जब तक वो पीएम है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 96 में जब पीवी नरसिम्हा राव चुनाव से हटे कांग्रेस सबसे बड़े दल के नेता के रूप में, तो कांग्रेस उभरी, लेकिन वो सबसे बड़े दल के उसमें उभरी, लेकिन कांग्रेस जो है सरकार नहीं बना पाई, तो एक थर्ड फ्रंट आ गया, एक कांग्रेस का फ्रंट हो गया, एक बीजेपी का फ्रंट हो गया, फिर एक तीसरा फ्रंट आया, तो तीसरे फ्रंट ने कहा भाई हम सरकार बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले दिया उन्होंने, बनाओ भाई आप, तो चलो खैर सरकार बना ली मिलजुल कर, एक थर्ड फ्रंट हो गया और कांग्रेस ने उसको बाहर से सपोर्ट कर दिया। जो सरकारें होती हैं दो तरीके का सपोर्ट होता है, चलो आपको बता देता हूँ यहाँ, अब बात चल रही है। तो अब जैसे ये सरकार है, ठीक है, इसके लिए 272 आदमी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए एक पार्टी है, एक्स नामक पार्टी है, उसके पास 200 ही आदमी है, और वाई नामक पार्टी है, उसके पास 170 आदमी है, और जेड नामक पार्टी है, उसके पास शेष है, वो सारे शेष हो गए, तो इसको कहेंगे फर्स्ट फ्रंट, इसको कहेंगे सेकंड फ्रंट, इसको कहेंगे थर्ड फ्रंट, ध्यान कर लेना अभी यहां पर, ठीक है। फर्स्ट फ्रंट वो जो सबसे बड़ी पार्टी है, सेकंड फ्रंट वो जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, और थर्ड फ्रंट वो जिसमें सारे सब आ जाएंगे, मतलब 3 फ्रंट हो गए। अब यहाँ प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति बैठे हुए अपने भवन में, वो देख रहे हैं भाई मुझे तो सरकार बनानी है, मुझे कैबिनेट बनानी है अपनी, ठीक है, और सरकार कैबिनेट बनाएगी उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, किसकी नियुक्ति करूं, तो सबसे पहले वो जो फर्स्ट फ्रंट है एक्स नामक पार्टी, वो उसको बुलाएंगे, भाई आप आइए सरकार बना लीजिए, लेकिन आपके पास बहुमत नहीं है, मैं आपको कुछ समय दूंगा, मुझे आप ये 272 का फिगर प्रूव करके दिखाना, मेरे साथ 272 है, ठीक है, वो उसको कुछ समय देंगे, अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया राष्ट्रपति जी का न्योता, तो ठीक है सरकार बना लीजिए, वो पूछेंगे किसको बना प्रधानमंत्री बनाना है, वो फिर उसको शपथ दिला देंगे, अगर इसने एक्सेप्ट नहीं करा तो फिर वो सेकंड फ्रंट को बुलाएंगे, सेकंड ने भी एक्सेप्ट नहीं करा तो फिर थर्ड को बुलाएंगे, अगर थर्ड भी एक्सेप्ट नहीं करेगा वो फिर चुनाव करा देंगे, वो चुनाव आयोग से कहेंगे चुनाव कराओ दोबारा से, कोई भी सरकार नहीं बना रहा। तो ऐसा ही हुआ, कांग्रेस ने यहां पर थर्ड फ्रंट के साथ मिलकर सरकार बनाई, थर्ड फ्रंट ने कांग्रेस के साथ मिलकर, ठीक है, और कांग्रेस ने क्या करा, अब जब ऐसी मिलीजुली सरकार बनती है तो उसमें क्या होता है, जो सपोर्ट कर रहा है या तो जो सारे मिलजुल कर सरकार बना रहे हैं वो आपस में मंत्री पद बांट लें, तो उसे कहते हैं सब सरकार में शामिल हैं, लेकिन अगर कोई दल सरकार में शामिल नहीं है तो उसे कहते हैं बाहर से सपोर्ट कर रहा है, वो बाहर से सपोर्ट का मतलब है उसने सरकार में कोई पद नहीं लिया, ठीक है, वो सिर्फ सपोर्ट के लिए है कि सरकार चलती रहे। तो यहां पर कांग्रेस ने क्या किया, एच डी देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने और उस सरकार को, देवगौड़ा की सरकार को बाहर से सपोर्ट करा, किसे हम सपोर्ट करने के लिए हैं आपके साथ सरकार में शामिल नहीं होंगे, ठीक है, तो सब वो हो गए। अब 13-14 महीने के बाद उन्हें देवगौड़ा जी को लगा कि अब ये हमारे मतलब सिस्टम सही नहीं चला रहे, हमारे अनुसार नहीं चला रहे, जबकि खुद सरकार में शामिल नहीं थे, उन्होंने सपोर्ट खींच लिया, राष्ट्रपति जी के पास गए, हम इसको सपोर्ट नहीं दे रहे, हम वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहां से सपोर्ट जब खींच लिया तो फिर राष्ट्रपति ने कहा थर्ड फ्रंट से, भाई कर सकते हो क्या प्रूव दोबारा से, मैं एक बार मौका और दे रहा हूं। उन्होंने कहा भाई ठीक है नए आदमी को बना देते प्रधानमंत्री, कांग्रेस से पूछा तो नए बना दिए इंदु कुमार गुजराल, ठीक है। तो ऐसे सरकारें ये बनती हैं, तो आपको जब तक लोकसभा बहुमत का समर्थन प्राप्त है आप सरकार बनाते रहेंगे चलाते रहेंगे, ठीक है। तो यहां ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन, चंदन कुमार सर मेरा प्रणाम स्वीकार हो आपको, नमस्कार जी, नमस्कार, बिल्कुल
अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? वीर की अहिंसा है, दुर्बल की अहिंसा है, डरपोक की अहिंसा है, पदलित की अहिंसा है? ठीक है, बताइए इसमें से क्या होगा। हिंदी की क्लास का दीपक जी मैं पूछकर बता दूंगा आपको, इंग्लिश का तो मैंने आपको बता दिया। हिंदी की क्लास मोहित सर ले रहे हैं आपके, अब मैं टाइमिंग का मुझे कंफर्म नहीं है, मोहित सर ले रहे हैं आपकी क्लास हिंदी की, बिहार में मोहित सर ही ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें होगा भाई आपका वीर की अहिंसा। जो वीर है वो, ठीक है, वो युद्ध भी कर सकता था, लड़ भी सकता था, लेकिन उसने अहिंसा का माध्यम अपनाया। ठीक है, तो वीर की अहिंसा जो है वो सबसे शक्तिशाली बल है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए, राजनीति के लिए, खेल के लिए या सिनेमा के लिए? बताइए किसके लिए दिया जाता है बुकर पुरस्कार? यह ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, 1969 में शुरू हुआ है, 1969 में शुरू ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार। ठीक है, तो यह किसमें दिया जाता है? साहित्य में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि पहला किसको मिला है, इस्माइल कादरे को, इस्माइल कादरे कौन है, ये पहला बुकर पुरस्कार। अगर आपसे पूछ ले भारत में किसको मिला है ये, ठीक है, तो भारत में वी एस नायपाल, नायपाल को पहला मिला। ठीक है जी, आगे चलें। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक बताइए क्या है? तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक क्या है? H2S, NH3, NO2, SO2, जल्दी से बताइए क्या है? कोयले के जलने से होता है ये, और अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। पेट्रोल डीजल से तो NO2 निकलेगा, NO2 पेट्रोल डीजल। डीजल से, ठीक है, और H2S लगा कच्चे पेट्रोल ज्वालामुखी प्राकृतिक गैस, कच्चे पेट्रोल गैस और ज्वालामुखी से। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गए अमोनिया गंधेन, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका जो पूछा है तापीय विद्युत से। ठीक है, और दूसरा इसका क्या है, ये अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, एसिडिक रेन के लिए, और अम्ल वर्षा की वजह से ही ताजमहल का रंग बदल रहा है, इसकी वजह से ही बदल रहा है वो। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीक्ष्ण गंध है, तीक्ष्ण गंध है, इसमें इसको साफ करके। तो यहां हो जाएगा भाई SO2। अगला क्वेश्चन, दिया सलाई के नोक में होता है, फास्फोरस पेंटोक्साइड, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, बताइए, सफेद फास्फोरस तो बहुत ज्यादा विषैला है और ये अंधेरे में चमकता है, ठीक है, चमकीला है ये। ठीक है, फास्फोरस पेंटोक्साइड का क्या उपयोग है, फास्फोरस
पेंटाक्साइड ये निर्जलीकरण में प्रयोग होता है, निर्जलीकरण के लिए। ठीक है, लाल फास्फोरस जो पूछ रहा है दिया चलाई की नोक, ठीक है, और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, जल से क्रिया करके ये गैस बनाता है, जल के साथ क्रिया करके गैस बनाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर लाल फास्फोरस। किस किस का आंसर सही है? सी 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 सी, सत्या, अंकित, चंदन, दीपक, सरवन और रीता। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, भारत में फिल्म दिखाने का प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से कौन देता है और कितने प्रकार के प्रमाण पत्र? ये सेंसर बोर्ड, इसको कहते हैं सेंसर बोर्ड। बोर्ड कितने प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करता है। ठीक है, ये बताइए आप मुझे, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये होगा सेंसर बोर्ड। ठीक है, इसका पूर्व नाम है इसका भारतीय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। केंद्रीय, इसका अध्यक्ष बताइए, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है मुझे बताइए। ठीक है, सेंसर बोर्ड हो गया, इसके अध्यक्ष बताइए कौन है जल्दी से। ठीक है, 15 जनवरी 1951 को इसकी स्थापना की गई है, 15 जनवरी 1951 स्थापना। ठीक है, और कितने तरह के ये सर्टिफिकेट जारी करता है आपको ये बताना है। ठीक है, बताइए कितने तरह के सर्टिफिकेट जारी करता है ये। ये करता है ASUUA। ठीक है, कितने हो गए ये? 4 तरीके के जारी करता है, ASUUA। ठीक है, और कौन है अध्यक्ष इसके? अब जल्दी से बताइए इसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यालय इसका मुंबई में है। ठीक है, और अध्यक्ष कौन है? मुख्यालय अगर जानना है, हेड ऑफिस दिल्ली नहीं है भाई, इसका मुख्यालय है मुंबई। और अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की है? मैडम क्यूरी ने, रोटेंजन ने, वान लू ने या बैकेरल ने? ठीक है, बताइए किसने की है, बताओ। रेडियम की तो मुझे पता, रेडियम की खोज की है मैडम क्यूरी ने। अगले आप बता दीजिए, रोटेंजन हो जाएगा, एक्सरे की खोज की है, और एक्सरे में कैथोड गिरने थी ये, और कहा गए थे? क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें, तो ये है जर्मनी के, और कैथोड किरणें है वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा रोटेंजन। ठीक है, अगला बताइए जल्दी से, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद या पुणे में? जल्दी से बताइए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? एक इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय साइबर, क्योंकि साइबर बहुत चल रहा है, साइबर फोरेंसिक, इसको भी कर लेना आप साथ में, फोरेंसिक प्रयोगशाला, ये आपके हैदराबाद में है। ठीक है, इसे जरूर कर लेना हैदराबाद को। ठीक है, और जीव विज्ञान प्रयोगशाला भी एक बनता है, जीव विज्ञान
प्रयोगशाला, ये पालम पालमपुर, ये एचपी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये जरूर कर लेना, एक ये वाला कर लेना, और फिर ये वाला तो आपको करना ही है, ये आपकी पुणे में हो जाएगी। सी बता रहे हैं आप, हैदराबाद में नहीं, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आपकी पुणे में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चावल पकाना कठिन होता है पर्वत के शिखर पर, समुद्र के तल पर, ठीक है, या खदान के नीचे, कहीं पर एक जैसा, कहीं भी एक जैसा इसको पका सकते हैं, जल्दी से कर लीजिए। क्या है, जब वायु दाब घटता है तो जल का क्वथनांक भी घट जाता है, वायु दाब घटता है तो क्वथनांक भी घटेगा, और जब वायु दाब बढ़ेगा, ठीक है, तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां क्या होता है, पहाड़ों पर, ठीक है, कम टेम्परेचर पर, यानी कि कम ताप पर ही पानी उबल जाता है, तो फिर वो क्या होगा, ज्यादा देर लगाएगा उबलने में चावल। प्रेशर कुकर में क्यों जल्दी बन जाते हैं, कुकर में इसलिए बन जाते हैं, कुकर में जल्दी इसलिए बनता है, क्योंकि क्योंकि ज्यादा दाब पर पानी, ठीक है, 100 डिग्री से ऊपर, करीब 100 डिग्री तक उबलने लगता है, तक उबलता है। आप पानी को खुले में छोड़ दो, उबालिए, चाहे 1 घंटे उबालते रहिए, पानी सारा भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जाएगा, ये है पानी का वो, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, पहाड़ों पर कम ही टेम्परेचर पर आप देखेंगे वो 90 डिग्री पे पानी उबलने लगा, तो चावल तो अपने हिसाब से पकेगा, ठीक है। जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है, एक यूरोपीय यूनियन का नाम सुना है, यूरोपीय यूनियन, इसकी मुद्रा है यूरो, ठीक है, इसकी मुद्रा है यूरो, और यूरो 19 देशों की मुद्रा है, सारे देश याद करने कठिन होंगे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, ये महत्वपूर्ण इसमें देश है, क्या इसमें आ रहा है जर्मनी, अच्छा जर्मनी की तो पूछ रहा, तो इसमें यूरो आ रहा है, आ गया यूरो, ये रहा आप मुझे, डॉलर है यूएसए का और येन है जापान का, आप मुझे बताइए, पैसों किस देश की मुद्रा है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है, बताइए पैसों किस देश की मुद्रा है, बिना देर किए हो जल्दी बता दीजिए, मेरे पास समय कम है, और आपके पास अभी, मेरे पास 5 क्वेश्चन और कराने में, जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ। नहीं पता पैसों किस देश की है, भाई पैसों है आपकी, बताऊं किसकी है, फिलीपींस की, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना आप, ठीक है, इंडोनेशिया बता रहे हैं, बताओ विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा आपका एशिया, इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, इसके बाद क्या आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका, के बाद कौन सा आएगा, दक्षिणी अमेरिका के बाद आ जाएगा अंटार्कटिका, इसके बाद आ जाएगा यूरोप, के बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब लगा लीजिए किसको लगवा रहा है, ये लगवा रहा है, तो एशिया तो इसमें हो गया फर्स्ट नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया हो गया इसमें, इस वाले में हो गया, ऑस्ट्रेलिया को लगा लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7th नंबर पर, ठीक है,
अफ्रीका हो गया आपका सेकंड नंबर पर, और यूरोप हो गया आपका सिक्स नंबर पर। तो इसमें से सबसे बड़ा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा क्या हो गया, अफ्रीका हो गया इसमें आंसर, ठीक है। अफ्रीका। आगे चलिए, वर्तमान में विक्रम संवत 2068 में शक संवत क्या है, विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ, ये जो कैलेंडर है ठीक है जहां से स्टार्ट हो रहा है, आज 2023 चल रहा है, तो इस कैलेंडर के स्टार्ट होने से विक्रम संवत हुआ 57 साल पहले, ठीक है, ये हो गया विक्रम 57 ईसा पूर्व में, और 78 AD ईस्वी में स्टार्ट हुआ आपका शक संवत, ठीक है। तो अंतर कितना हो गया दोनों में, 135 वर्ष का, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है वो कह रहा है कि आज 2068 विक्रम संवत है, ये विक्रम संवत, ठीक है, इसको कह रहा है। तो विक्रम संवत हम आज यहां खड़े ना 2023 पे, तो ये यहां 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, ठीक है, तो इसमें 57 ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहले निकाल लीजिए विक्रम संवत के अनुसार कौन सा वर्ष चल रहा है, विक्रम के अनुसार आज चल रहा है, विक्रम के अनुसार उसने कहा कि 2068 चल रहा है, तो शक के अनुसार क्या होगा, विक्रम के शुरू होने के 135 साल बाद शक शुरू हुआ है, तो 135 निकाल दो उसमें से, 8 में से 5 गए, 3, 6 में से 3 गए 3, 9 का 9 और 1 का 1, 10 में से 1 गया 9, 1, 1933 चल रहा है, 1933। समझ में आया नहीं आया किसी के, नहीं आया, देखिए विक्रम संवत और शक संवत के बीच में 135 सालों का अंतर है, पहले विक्रम संवत स्टार्ट हुआ है, उसके बाद शक संवत स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो सीधा सा अर्थ है वो तो खुद ही बता दिया, 2068 चल रहा है विक्रम संवत का वर्ष, को हिसाबी उसने कोई भी हो सकता है, तो उसने कहा 2068 चल रहा है, तो 135 वर्ष का अंतर, 135 वर्ष बाद स्टार्ट हुआ है, तो निकाल दो सीधा 1933 वर्ष चल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग किए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, मजीरा है, मादल है, ताशा है या नगाड़ा है, जल्दी से बताइए। नगाड़ा एक ढोल है, मजीरा धार्मिक सभा में बजाया जाता है, धार्मिक सभा में नगाड़ा एक ढोल है, ठीक है, वो ताशा बजता है उस समय मुहर्रम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, अगर आपसे पूछे राजनैतिक प्रमुख तो आप कर देंगे पीएम, ठीक है, और वैसे होता है राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है ये, ठीक है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कार्य करते हैं, ये जो कार्य करेंगे कैबिनेट की लिखित सलाह पर, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है भाई आपके लिए, मैकमोहन रेखा किस किस का सीमांकन करती है, बताइए मैकमोहन रेखा किस किस का सीमांकन करती है, भारत और पाक के बीच तो रेड क्लिफ है, ठीक है, और भारत चीन के बीच मैकमोहन है, ठीक है, और ये ही मैकमोहन यहां पर थी, ये बाकी यहां पहले बांग्लादेश तो था ही नहीं, ये पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ तो कोई घोषित नहीं है रेड के लिए, भी मान लीजिए भूटान के साथ है ही नहीं कोई, ठीक, दो रेखाएं हैं ये इसके साथ हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा भाई कंप्लीट होता है, तो आप सभी लगातार इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर आपको कोई समस्या है, आपकी आज का एक क्वेश्चन था कि भाई हिंदी की क्लास किस टाइम से होती है, वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा किस कब से होती है, ठीक है। और बाकी आप अगर कोई और विशेष जानकारी चाहते हैं तो एग्जामपुर ऐप से आपको जानकारी मिल सकती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वो साथी जिन लोगों को अभी एग्जामपुर की क्लास हो गई, जो रेगुलर क्लासेस चल रही है उनके बारे में नहीं पता, तो कृपया आप उन्हें बताइए,
और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सेशन को शेयर करते रहिए। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। अगर कोई और आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में या कुछ और आप सुधार चाहते हैं या कुछ और आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके अनुसार क्लास समझ में आए, और हमारा यही प्रयास रहता है कि वही आपको कराया जाए जो एग्जाम के परिपेक्ष सही है और सटीक है। इसी के साथ आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।